हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एटीजी व्लॉग्स। और आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। सो इट्स 2 o'clock राइट नाउ और मैं जा रहा हूँ अकोला में जा रहा हूँ सलासर बालाजी मंदिर। लास्ट टाइम आया, उसके पहले भी आया, मुझे वहाँ पे जाना था लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। तो इस बार सोचा कि अभी दिन है हाथ में तो हम लोग जाते हैं। और मुंबई जाने का प्लान भी थोड़ा एक्सटेंड किया मैंने, तो सोचा घर पर बैठने से अच्छा है कि जाके आते हैं, घूम के आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। सो अभी 2 बज रहे हैं और मुझे यहाँ से करीबन 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं अकोला पहुँचने के लिए। सो निकलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शाम होते होते रिटर्न भी आना है। सो मिलता हूँ आपको हेलमेट मोड़ में। सलासर बालाजी मंदिर मुझे इसलिए जाना था क्योंकि वहाँ का जो आर्किटेक्चर है, उसका जो डिज़ाइन है पूरे मंदिर का, वो काफ़ी अच्छा देखा था मैंने फ़ोटोज़ में। एंड शाम के टाइम पे वहाँ पे आई गेस लाइटिंग, फाउंटेन वगैरह भी है छोटा मोटा, तो वो भी देखना हो जाता है। जब मैंने एक्सप्लोर करने के लिए जो लिस्ट बनाई थी उसमें सलासर बालाजी मंदिर भी ऐड किया था। या और भी कुछ अगर रहेगा तो मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम देखूँगा। अगर अकोला में आपको कुछ मालूम है और देखने के लिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पर बता दो, वहाँ पे भी जाने का ट्राई करूँगा मैं। नवंबर दिसंबर में मेरा प्लान है विदर्भ एक्सप्लोर करने का, सो अगर पॉसिबल हुआ तो मोस्टली मैं कर लूँगा। ओके, रीच्ड अकोला और अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करना है एंड उसके बाद फिर शाम के आएगा 5-6 बजे मैं मंदिर में जाऊँगा। यहाँ पे एक वॉच टावर भी है, वहाँ पे मुझे बाइक के साथ फ़ोटो लेना है। ये है अकोला स्टेशन, ये साइड में मुंबई, ये साइड में नागपुर अमरावती। अकोला बालाजी मंदिर जाने से पहले मैं आपको सालासर बालाजी मंदिर, जो मुख्य मंदिर है, उसकी कहानी पहले आपको बताता हूँ। श्री सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। भारत में हनुमान जी का ये एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी को दाढ़ी और मूछ है। बालाजी नाम श्री हनुमान जी को भारत के कई हिस्सों में संदर्भित करता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस मूर्ति की स्थापना सालासर में कैसे हुई। संत मोहनदास हनुमान जी के एक भक्त, इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उनको मूर्ति के रूप में प्रकट होने का वचन दिया। आसोटा गांव के एक किसान को खेती करते वक्त उसके ज़मीन में हनुमान जी की ये मूर्ति मिली। बाद में इस मूर्ति को उस गांव के लोग सालासर ले गए और 1755 में सालासर गांव में इस मूर्ति की स्थापना की गई। और 4 साल बाद यानी 1759 में सालासर गाँव में हनुमान जी का ये मंदिर बनाया गया। अब देखते हैं अकोला का बालाजी मंदिर। ये मंदिर 2014 में हनुमान जयंती के दिन शुरू हुआ था। इस मंदिर में अभी यानी शाम को आने का कारण ऐसा है कि मैंने ऑनलाइन जब इसके फ़ोटोज़ देखे थे तभी उसमें लाइटिंग्स, फाउंटेन और कुछ सजावट भी थी,
लेकिन यहाँ पे आने के बाद मालूम पड़ा कि वो सब सिर्फ त्योहारों के दिन ही रहता है। लेकिन आप इस मंदिर के सनसेट के फ़ोटोज़ या फिर रात के फ़ोटोज़ देखो तो बहुत सुंदर दिखता है ये मंदिर। आजू बाजू का परिसर भी इसका बहुत सुंदर है। चलो, अपना सलासर टूर कंप्लीट हो गया, मंदिर देखने भी हो गया। बेसिकली वहाँ पे जो है वो कैमरा अलाउड नहीं है या फिर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, लेकिन वहाँ के जो ट्रस्टी थे उनसे मैंने परमिशन ली, पहले चैनल वगैरह देखा उन्होंने कि क्या है क्या नहीं, तो हो गया आज का ये वीडियो। अभी रास्ता सेम है लेकिन अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं, सो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करने का सोच रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चंस रहेगा रिगार्डिंग द वीडियो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।